जिंदगी भर में कितनी तड़पूंगा मुझे पता है, कांपता गिर मम्मी डैडी मेरे दोस्त लोग, क्या बोलो मेरे को यार आप लोगों को। जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग, क्या ज्ञान भाई को जस्टिस मिलेगा? क्या उस बंदे को सजा मिलेगा जिसने ज्ञान भाई का एक्सीडेंट किया है और ज्ञान भाई की ये हालत की है जिसके वजह से ज्ञान भाई को अपना एक पैर गंवाना पड़ा? क्या ज्ञान भाई को जस्टिस मिल पाएगा या फिर स्काइलर की केस की तरह ये एक्सीडेंट केस भी केस बन के रह जाएगा और टाइम आने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? इतना बड़ा एक्सीडेंट उस बंदे ने किया है, इतना सीरियस एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बंदा खुलेआम घूम रहा है, फिर भी उस बंदे को जेल नहीं हुई है। बिलीव मी, ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। मुझे लगता है ज्ञान भाई की जगह पर वहाँ पर कोई और होता तो शायद आज होता ही नहीं। वह ज्ञान भाई की किस्मत है और उनकी माँ की दुआ उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान भाई की इतनी हिम्मत है जो इतना कुछ होने के बाद भी वो होश में रहे। इतनी हिम्मत भाई किसी इंसान में कैसे हो सकता है? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जब हो गया है, जिसने इतना गलत किया है वो आखिर कैसे खुलेआम घूम रहा है? उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? क्या वो ऐसा ही खुलेआम घूमता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा या फिर ज्ञान भाई को जस्टिस मिलेगा और उस बंदे को सजा मिलेगा? क्या ज्ञान भाई को जस्टिस मिल पाएगा और आखिर जस्टिस मिलेगा तो मिलेगा कैसे? ज्ञान भाई को न्याय मिलेगा? एंड आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हो ज्ञान भाई को जस्टिस दिलाने के लिए? बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे ज्ञान भाई को जस्टिस दिला सकते हो। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करना। ज्ञान भाई ने इस एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया है, अपने शरीर का एक हिस्सा एंड एक पार्ट खो दिया है। एंड गाइस, आप लोग यकीन मानो, हमारे शरीर में जो पार्ट है ना, खासकर हाथ पांव, वो बेस्ट कीमती है और उसकी कोई कीमत नहीं। एंड गाइस, अगर आप लोग को अपने पैर के और हाथ की वैल्यू जाननी है तो वो अभी ज्ञान भाई को ही पता होगा। पैसा चाहे जितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कोई बॉडी का पार्ट मिस है ना, तो वो पैसा कभी भी बॉडी के उस पार्ट को फुलफिल नहीं कर सकता है। आप लोग कितना भी कुछ कर लो, कितना भी इलाज करवा लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग जितना भी मशीन लगवा लो, लेकिन ऊपर वाले की जो देन है उसको कोई इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता और ना कोई इंसान उसमें महंगे महंगे मशीन फील कर सकता है जो एक इंसान अपने रियल बॉडी से फील कर सकता है। पैसा सब कुछ नहीं कर सकता है और ऊपर वाले के देन से ज्ञान भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है कि पैसा हर चीज को फुलफिल कर सकता है। अब देखो, ज्ञान भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो काफी सारे यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था एंड बहुत से लोग जस्ट व्यूज के लिए वीडियो बनाए थे एंड किसी किसी ने तो तीन तीन चार चार वीडियो छाप दिए थे जस्ट व्यूज के लिए। एंड कुछ यूट्यूबर ने तो उस वीडियो में बेटिंग एप्लीकेशन तक का प्रमोशन किया था। मतलब यार, कोई बंदा कितना गिर सकता है? कोई बंदा किसी के डेथ के ऊपर वीडियो बनाए और उसमें बेटिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन कर सकता है? तो गाइस, आप लोग सोच ही सकते हो कि वो पैसे के लिए और ना जाने क्या क्या कर सकता है। तो वो बंदे किसी के भी एक्सीडेंट पे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि जस्ट फॉर मनी, क्योंकि इन लोगों के लिए दुनिया में बस एक ही चीज है और वो है पैसा। लेकिन गाइस, चलो, जिसने जो किया, किसी ने पैसे के लिए किया तो किसी ने व्यूज के लिए किया और किसी ने सच्चे दिल से ज्ञान भाई के लिए प्रे किया। लेकिन गाइस, अभी मैं चाहता हूँ ज्ञान भाई के जस्टिस के लिए ये सभी लोग कम से कम एक वीडियो जरूर बनाए एंड जितने भी हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में यूट्यूबर है वो कम से कम अपने चैनल पे एक वीडियो जरूर डालें ताकि ज्ञान भाई को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल पाए। एंड अभी आप लोग में से काफी सारे यूट्यूबर सोच रहे होंगे मेरे एक वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, तो गाइस मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे जो सोशल मीडिया की पावर है ना, वो पावर कहीं और है ही नहीं। सोशल मीडिया की पावर गवर्नमेंट तक को पलट सकती है, सोशल मीडिया की पावर बड़े से बड़े बिजनेसमैन के घर तक को हिला करके रख सकता है। इंस्टाग्राम चलाते हो तो ये न्यूज कहीं ना कहीं तो आप लोग देखा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने वो पुणे का तो केस देखा ही होगा। एक अंडर एज बंदा था, किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, जिसने अपने कार से दो लोगों की जान ले ली। वो बंदा ड्रिंक करके ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा था। वो बंदा जस्ट अपने मजे के लिए दो दो लोगों की जान ले ली, दो लोगों का अच्छा खासा खेलता हुआ घर उजाड़ दिया। जिस बंदे ने ऐसा काम किया उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी हमारे पुलिस ऑफिसर उससे ये बोलते हैं, बस आप लोग ट्रैफिक रूल पे ये लिखो। लेकिन गाइस, आप लोग को तो पता ही है, जब ये स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उसके बाद लोगों ने उसे भर करके सपोर्ट किया, उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लिया और अभी के टाइम में वो बंदा भी जेल में है और उसके पापा भी। यहाँ तक कि उसने जिस बार में ड्रिंक किया था उस बार को भी सील कर दिया गया। तो गाइस, आप लोग सोच ही सकते हो, जब ये न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ था तब उस बंदे को ऐसा लिखना था, लेकिन जब वायरल हुआ तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। तो गाइस, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। एंड गाइस, जब मैं कल ज्ञान भाई की वीडियो देख रहा था तो मैं सच में इमोशनल हो गया था।
था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार कि आखिर कैसा लॉ है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन गैस अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। लेकिन गैस अब हम लोग ज्ञान भाई को जस्टिस दिला करके ही रहेंगे। एंड गैस इस काम को करने के लिए मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। तो क्या गैस ज्ञान भाई को जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करोगे?